विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौधरी शर्मिला, बुलका सागर विद्या भवन में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हवे आपणे समझदार नन्ही नो भाग बे जोईशुं। आपणे क्यां सुधी जोयुं हतुं? बीजा पेज सुधी। आपणे बीजा नंबरना पेज परथी चालू करीशुं। बधा ज विद्यार्थी ध्यानथी पुस्तकमां अंदर ध्यान। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। केटलाक दिवस पछी विंछीना प्राण यानी कि जान अने जीवन, प्राण यानी कि जान या जीवन, संकट एटले कि मुसीबत, धारा यानी प्रवाह, कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। विद्यार्थी मित्रों, प्राण यानी कि जान, संकट एटले कि मुसीबत, धारा एटले कि प्रवाह। केटलाक दिवस पछी विंछीना प्राण फरीथी मुसीबतमां मुकाई गया। ते पाणीनी धारामां पड्यो अने डूबवा लाग्यो। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। विंछीने नानीनी याद आवी गई। वह नन्ही को पुकारने लगा अने ते नानी ने बोलावा लाग्यो। नन्ही की उसकी करुण पुकार यानी कि दर्द भरी बूम। नन्हीए तेनी दर्द भरी आवाज सांभळी लीधी। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई अने ते झपटाभर विंछीनी नजीक आवी गई। सहसा ही उनके मन में विचार आया। तरत ज तेना मन में विचार आव्यो, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तेना विचार आव्यो के आ गंदा स्वभाव वाला विंछीने हूँ हवे बचावीश नहीं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा यानी कि करगरवा। विंछी करगरवा लाग्यो। बहन मुझ पर दया करो, बहन मारा पर दया कर। नन्ही का मन डोल गया। मुहावरे का अर्थ है मन डोल जाना, विचार बदलना। मुझ पर दया करो, मारी पर दया कर। नन्ही का मन डोल गया, तेनू मन बिगड़ी गयू। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तेने विचार्यु के तेनी आ गंदी आदत छे ते छोड़ी दीदी हशे। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नानीए विंछी ने फरीथी नवू जीवन आप्यू।
बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। विंची तेना स्वभाव प्रमाणे फरीथी डंक मारवा माटे ते आगळ वध्यो। नन्ही उसका इरादा समझ गई, नानी तेनो इरादो समझी गई। वह मुस्कुराकर बोली, ते हसीने बोली, बिच्छू भाई ठीठक क्यों गए, डंक मारो। विंची ने कहे छे, अटकी केम गयो, ठीठक यानी कि अटकी जवु। विंची भाई अटकी केम गया, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, बहुत लिज्जत होना, शर्म से पानी पानी होना, शर्म से बहुत लिज्जत हो। विंची खूब शर्माई गयो, वह खिसिया कर बोला, इज्जत होकर खिसिया कर। बहुत लिज्जत होना, खिसियाकर એટલે लिज्जत होकर, આ બંને શબ્દો સરખા છે। બિચ્છું શર્મ સે પાણી પાણી હો ગયા, વિંચી બિચ્છું શર્મ સે પાણી પાણી હો ગયા, વિંચી શરમાઈ ગયો, વહ ખિસિયાકર બોલા, તે ફાટો થઈને બોલ્યો, બહન એક વાત બતાવો, એક વાત મને તું કહે, મેં સદા તુમ્હારે સાથ વિશ્વાસઘાત કિયા, ફિર ભી તુમને મેરે સાથ ભલા હી क्या, ऐसा क्यों, मैं तारे साथे हमेशा विश्वासघात करियो छे, छता पण ते मारू भलू करियो छे, एवू केम। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नानी बोली, भलाई करवो ए मारो स्वभाव छे। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ू, हूँ तारे साथे बदलो लेवा माटे मारी सारी आदत केम छोड़ी दऊं। मेरा काम बचाना है, मारू काम तने बचावानू छे। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती हूँ, हूँ मुसीबत में पड़ेला लोगों ने वारंवार बचाऊ छू। तुम्हारा काम डंक मारना है, तारू काम डंक मारवानू छे, तुम मारते रहो अने तुम आ डंक मारतो रहे, देखती हूँ कौन जीतता है अने जोऊ छू के कौन जीते छे। बिच्छू पछतावे से भर गया, विंची ने पछतावो थवा लाग्यो। नन्ही बोली, नन्ही बहन, नानी बहन, आज तुम जीत गई अने आजे तुम जीती गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। वचन देना यानी कि वादा करना, તને વચન આપું છું કે હું ક્યારે નિર્દોષ પ્રાણી, નિર્દોષ યાની કે બેકસૂર, દોષ રહી વચન આપું છું કે હું ક્યારેય નિર્દોષ પ્રાણીઓને ડંક મારીશ નહીં। નન્ની ખુશ હોકર નદી મેં ચલતી, માને આજ ફિર પૂછા, માએ તેને આજે ફરી પૂછ્યું, બેટી કહાં દેર કરતી, આજે તને ક્યાં વાર લાગી ગઈ। નન્હીને પૂરી ઘટના બતાવી, તેણે પૂરી ઘટના બતાવી દીધી। માં પ્યાર સે બોલી, માં प्रेम से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, प्रिय समझो नानी। भले लोग अपनी बार बार भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को
भला बनने की राह दिखाते हैं। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों की भला बनने की राह दिखाते हैं। राह दिखाना यानी कि रास्ता दिखाना, राह दिखाना रास्ता दिखाना। भला માણસો પોતાની વારંવારની ભલાઈથી એ જ રીતે ખરાબ માણસોને ભલા બનાવવાનો માર્ગ બતાવે છે। નની પ્રસન્ન હોકર થીરકને લગી, થીરકને લગી ખુશી સે નાચના, થીરકને લગી થીરકને લગના, થીરકને नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नानी प्रसन्न થઈને ઝૂમી ઉઠી। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતી આપણી સમજદાર નન્ही। આ પાઠમાં સારા સ્વભાવવાળા લોકો સારા કાર્યો કરે છે અને ખરાબ સ્વભાવવાળા એનો ક્યારેય સ્વભાવ છોડતા નથી, પરંતુ આપણે વારંવાર કોઈનું ખરાબ કરવું જોઈએ નહીં। આ સમજદાર નન્ही કહાનીમાંથી આપણે ઘણું બધું શીખવાનું મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા ક્લાસમાં એવું પણ બને કે આજે મારી પેન્સિલ કોઈ બીજા વિદ્યાર્થીએ લઈ લીધી છે, તો તમે એવું વિચારશો કે આજે મારી હમણે પેન્સિલ લીધી છે તો હું કાલે એની બીજી પેન્સિલ લઈ લઈશ। પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ક્યારેય એવું વિચારવાનું નહીં। આપણે એવું વિચારવાનું કે ભલે આજે એણે પેન્સિલ લઈ લીધી, કાલે એ ભલે મારી પેન્સિલથી લખતો, આવું આપણે ક્યારે કરવું જોઈએ નહીં। આપણે હંમેશા એમને સામેથી મદદ કરવાની, આવું અહીં આ કહાનીમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે। અસ્તુ।